नहीं मैं सिद्धिक सुधीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी इंतहाए लगाश नहीं है, तेरे नाम से तलब कर रहा हूं। आप सब भाइयों का, बच्चियों का, तुलबा का और मोजस दूसरे मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा चौधरी मीर साहब से, जो आज हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, कि वो कुर्सी तशरीफ लाइए, कुर्सी पर तशरीफ लाइए स्टेज पे। आप हमारे शहर के नहायत मुअज्जज़ और तजर्बाकार कारी मसूदी साहब से मेरी इल्तमास है कि वो तलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। शुक्रिया। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر
مال میں سے اپنے قریبیوں پر بھی خرچ کرو، یتامہ پر بھی خرچ کرو، مساکین پر بھی خرچ کرو، مسافروں پر بھی خرچ کرو، اور اگر کوئی سوال بھی آ جائے تو اس پر بھی خرچ کرو، اور جو قرض کے بوجھ تلے ہیں یا دور حاضر میں قرض کے بوجھ تلے اور ماضی میں جو غلام تھے ان کو آزاد کرانے میں خرچ کرو، اور جو وعدہ کرتے ہو اس کو پورا کرو، اور کسی مصیبت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے اگر پریشانی آ جائے تو وہاں پر کچھ صبر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر لو گے تو یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی اور کامیاب لوگ ہیں. وآخر دعوانا الحمد بہت خوبصورت سلیکشن. آپ ڈاکٹر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کیونکہ خواجہ ذکار صاحب کسی خاص میٹنگ میں
तो इसलिए आप हमारा साथ दीजिए और स्टेज पे तशरीफ लाइए। फिर नदीम सरवर साहब आ गए। अब अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से हमने आगाज किया और इसमें आपने मैसेज दे दिया होगा, इसको बकायदा हमने मुंतखब किया था कि हम लोग बच्चों इबादत की तरफ बहुत ध्यान कर रहे हैं, नमाज रोजा हज ज़कात बड़ी चल रही है, लेकिन दूसरा हिस्सा जो उकुल अबार का है वो हमने इतना अच्छे अंदाज में नहीं अपनाया। दुआ है कि हम हमारे दीन का हिस्सा है उसकी तरफ हम अमली तौर पे आएंगे तो हर तरफ से कामयाबी मिलेगी। लिहाजा अमली जिंदगी में अगर हम अपने मामलात को दुरुस्त करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम निजात पाएंगे। अब जब जिक्र इलाही हो तो जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी वाजिब है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा 1122 के शौकत साहब से कि वो तशरीफ लाएं और मिलत रसूल पेश करें। शुक्रिया। दोषी जर्राए दुखों दिया
का जहां और है शाही का जहां और
अज़ा और मुजाहिद की अज़ा है। ना ही को माल और दौलत की हरस होती है, ना दुनिया की जाह और जलाल की चाहत। आज हम देखते हैं तो इस दुनिया में कितने निजाम आए, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, लेकिन किसी ने भी इंसान को ज़हनी सुकून अता नहीं किया, बल्कि इंसान को अपना गुलाम बना लिया। जबकि शाहीन का मकाम वो है कि वो कभी भी इस दुनिया के लिए अपनी परवाज पर कोई समझौता नहीं करता, वो इस दुनिया के माल अज़र को अपने पांव की ठोकर पर रखता है। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। अल्लाह ताला ने अपने बेश बहा खजीनों को तलाश करने का हुक्म दिया, जो सिर्फ शाहीन का ही तुर्रे इम्तियाज है, जो हमेशा तलाश का काम जारी और सारी रहता है, और अपनी अंतर मेहनत से जस्तजू के अमल में रुकावट नहीं आने देता। शाहीन की तरह मोमिन अगर अपना सारा ध्यान सिर्फ दौलत जमा करने में लगा देगा तो इस दुनिया में दफन खजीनों को कभी तलाश नहीं कर पाएगा जो इसके इकबाल को बुलंद करे। इकबाल ने नौजवानों के लिए जो ख्वाब देखा, इसको पूरा करने के लिए शाहीन की आदतों को अपनाना होगा। सिर्फ इसी सूरत में हम उनके ख्वाब को शर्मिंदा या ताबीर कर सकते हैं। तामीर का एहसास जगा देते हैं अफराद, तामीर का एहसास जगा देते हैं अफराद, हर गांव पे मंजिल को सजा देते हैं अफराद। अक़वाम की तारीख से ये बात आया है, अक़वाम की तारीख से ये बात आया है, मिल्लत के मुकद्दर को बना देते हैं अफराद। शुक्रिया। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बेटे और इसमें तरक्की दे, क्योंकि आप जिस जज्बे के साथ हमेशा तकरीर करते हैं, अल्लाह इसको न सिर्फ कायम रखे बल्कि और बढ़ाए। जहां तक शाहीन के तसव्वुर का तअल्लुक है, आप भी उसी मंजिल की तरफ गामजन हैं, अल्लाह आपको बरकत दे। अब मेरी दुआ है, आज के जो स्पीकर हैं इनका नाम चौधरी मुनीर है, और वाकई मुनीर से चमक भी निकलती है। अभी मेरे दफ्तर में कह रहे थे कि जी मुझे मेरे दोस्त पूछते हैं कि मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, स्टेट बैंक के ये फॉर्मर चीफ मैनेजर हैं, कि पता नहीं सियालकोट भी आपको क्या देता है। तो सियालकोट इनको खराज तहसीन देता है, इनको मोहब्बत से याद रखता है, और यही वो तसव्वुर शाहीन है जो इनको आज यहाँ खींच लाया। इन्होंने अपनी नौकरी के दौरान दयानतदारी, ईमानदारी के साथ इतनी अच्छी अपनी जॉब की है कि अगर हम इनको भी इकबाल का शाहीन कहें तो गलत का हो। तो आज ये इकबाल के शाहीन को सियालकोट के शाहीन कैसे पेश करते हैं, गुलाब साहब शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डॉक्टर सूर साहब, फरीद खान साहब, शफीक साहब, फरूख भाई साहब, और मैं किस किस का नाम लूं क्योंकि मैं सबके नाम जानता हूं, तो मेरे दोस्तों, मेहरबानों, और मुझे जो खुशी है कि हमारी कौम के बच्चे और बच्चियां भी इस महफिल में शरीक हैं। बड़ी देर से हम ये सोच रहे थे कि क्या साल में सिर्फ दो दिन ही इनामा साहब के लिए है, 21 अप्रैल और 9 नवंबर, कि हम इन दो दिनों में इकट्ठा होके इनामा साहब की शायरी की बातें करते हैं, और जो बाकी साल के दिन हैं वो हमारी अपनी जिंदगी होती। तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि पूरा हफ्ता मनाया जाए, एक आगाज किया जाए कि इनामा साहब का जो कलाम है उसके लिए एक पूरा हफ्ता वक्फ किया जाए, फिर बाद में इसको बढ़ाया जाए,
कि रामा साहब का जो कलाम है वो हमारी जिंदगी के शब और रोज से अपना महान हो जाए। तो आज मैं कहता हूं कि ये बड़ा एक मुबारक दिन है और इसमें मैं थिंकर फोरम और सीनियर स्टडी सेंटर के जो मंजूरीन हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो ख्वाब जो देखा था कि इकबाल का जिक्र सिर्फ इन दो दिनों में ना हो। और चूंकि मैं ये बात करता था तो मुझे उन्होंने कहा कि आगाज आपसे करते हैं और टॉपिक भी जो मुझे दिया है मौजू दिया जिस पर अभी हमारी बेटी ने बात की बड़ी अच्छी बात की माशाल्लाह। इकबाल का तसव्वुर शाहीन क्या है? हम शेर तो पढ़ देते हैं रामा साहब के शाहीन के बारे में मर्द मोमर के बारे में, क्या तसव्वुर है और क्या मकसद था? रामा साहब ने अपनी शायरी में बार बार शाहीन का और मोमर का जिक्र किया है, तो क्या वो महज कोई तशबीह थी या उसके क्या मकासद थे? तो इस पर मैं आपके सामने अपनी गुजारिशात पेश करूंगा और मेरी जो ये गुफ्तगू है इंशाल्लाह ज्यादा तवील नहीं होगी, क्योंकि तो जब हम इकबाल का जिक्र करते हैं तो बहुत ज्यादा तवालत में चले जाते हैं, कोई 40-45 मिनट जो मुझे टाइम तो उन्होंने दिया है 1 घंटे का, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको 45 मिनट्स में ले जाऊं और फिर बाद में हम एक सेशन रखें सवाल जवाब का, क्योंकि मैंने देखा है कि पिछली बार एक लेक्चर था और बड़े सवाल जवाब हुए। जानने की पहली सीढ़ी सवाल है जो आपके जहन में आए, इसलिए मैंने जो अपनी आज का जो मेरा जो आपके सामने मेरी सबमिशन है इसको कोशिश की है कि आसान से आसान अल्फाज में पेश करूं, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो इसको समझ सके, उनके जहनों में ये चीज बैठ जाए। तो पहले मैं कुछ जिक्र ये करूंगा कि अलामा साहब की शायरी क्या है, मकसद क्या है, शायरी का सेंट्रल आइडिया क्या है, फोकल पॉइंट क्या है, दूसरे में शाहीन क्या है, क्या खूबियां हैं शाहीन की, और तीसरे में आप देखेंगे कि अलामा साहब किसको शाहीन समझते थे, मुआशरे में बच्चों को, नौजवानों को या उनसे बड़े लोगों को, और आखिर में एक मैं स्ट्रेटेजी पेश करूंगा इंशाल्लाह कि किस तरह हम शाहीन के तसव्वुर को अपनी जिंदगी के शब और रोज से हम आम कर सकते। तो पहली बात जो मैं कहता हूं कि इलामा साहब की शायरी क्या है, क्या उसका फोकल पॉइंट है, जो लफ्ज मेरे जहन में आता है कि इलामा साहब की शायरी अजमत इंसान का बयान है, उन्होंने इंसान की अजमत को बयान किया है। और जब हम अजमत इंसान की बात करते हैं तो बरने शरीर में इलामा साहब से पहले एक और नाम हमारे जहन में आता है, मिर्जा असदुल्लाह गालिब, जिन्होंने अजमत इंसान की बात की, और जो उनका मशहूर शेर है बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। अब देखें गुलामी का दौर था और एक गुलाम मुल्क का वासी क्या बात कर रहा है कि दो लेवल्स हैं, आदमी तो सारे हैं लेकिन बहुत मुश्किल है कि वो आदमी इंसान हो जाए। गोया आदमियत जब जीस्त के मराहल से गुजरेगी तो उसका कमाल क्या है कि वो इंसानियत के ओहदे पर फायज हो जाए, आदमी इंसान बन जाए। लेकिन मिर्जा गालिब कहते हैं कि ये आसान नहीं है, ये मुयस्सर नहीं है। अलामा साहब का जो कलाम है, जो पैगाम है वो इसी से शुरू होता है और वो एक रोड मैप देते हैं कि किस तरह एक आदमी इंसान बन जाता है, अशरफुल मखलूकात बन जाता है। असल पैगाम अलामा साहब का ये है। और आदमी से इंसान बनने के लिए अलामा साहब एक सक्सेस और इफेक्टिवनेस का रोड मैप देते हैं कि अगर इससे गुजरोगे तो फिर एक कामयाब और मुकम्मल इंसान बन जाओ। यहां आप सोच सकते हैं आपके दिल में यह बात आती है कि ये शायरी में तो ऐसी बातें नहीं होती,
शायरी जो हमारी है, बड़ा शायरी है, उसमें तो ये जिक्र नहीं होता। और फिर दूसरी बात है कि अलामा साहब खुद कहते हैं कि मैं शायर नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मैं शायर नहीं हूं, मैंने तो शायरी को अपना मुद्दा बयान करने का एक जरिया बनाया है। अंग्रेजी में आप कहते हैं मैनेजमेंट साइंस में कि व्हीकल टू यूज एज अ व्हीकल, कि मैं शायर नहीं हूं लेकिन जो मेरे ख्यालात हैं, जो मेरा पैगाम है, उसके इजहार के लिए मैंने शायरी को जरिया बनाया है। शायरी क्या है, फिर खुद ही इसका जवाब देते हैं। और मेरी कोशिश भी है कि मैं अपनी बातें थोड़ी करूं, ज्यादा बातें अलामा साहब की जुबान में ही करूं, उनके अशार में ही करूं। अलामा साहब ने शायरी के अलावा सात खुतबात पर मुश्तमिल एक किताब है, उनकी खुतबात इक़बा। हम शायरी तो उनकी अक्सर जानते हैं लेकिन वो खुतबात एक तो अंग्रेजी जुबान में है और कम फहम, उनकी फहम थोड़ी है लोगों में, क्योंकि वो सारा जो फलसफा, जो चेंज का फलसफा, सारा नॉलेज उसमें बयान किया हुआ। उसमें जो अलामा साहब का पहला खुतबा है उसका नाम है इल्म और मुशाहिदा। उसमें वो अपनी शायरी के बारे में बताते हैं कि असल मेरी शायरी का मकसद क्या है। उसमें वो कुछ सवाल उठाते हैं कि ये जो कायनात है, इसकी खासियत माहियत क्या है और इस कायनात में क्या कोई मुस्तकिल अंसर है जिसने ये कायनात बनाई। दूसरा सवाल ये है कि इस कायनात में हमारा क्या मुकाम है। हम कुछ अरसे के लिए इस कायनात पर आते हैं, इस रुबे जमीन पर आते हैं, इसमें हमारा क्या मुकाम है। और आखिरी बात और बहुत अहम बात कि हम किस तरह जिंदगी गुजारें इस कायनात में, हम किस तरह जिंदगी गुजारें कि हम जो कायनात में हमारा मुकाम है उसको हासिल कर लें। मेरे ख्याल में अलामा साहब की शायरी का असल मकसद ये है कि इस कायनात पे इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए एक वक्त मिलता है। इसे हम कहते हैं कि व्हाट इज लाइफ, इट इज अ स्पैन ऑफ टाइम, इट्स अ स्पैन ऑफ टाइम, और उस स्पैन ऑफ टाइम में किस तरह जिंदगी गुजारनी है, ये अलामा साहब की शायरी का असल मकसद है। और वो कि किस तरह इंसान ने आला और अफवा बनना है, उसके बहुत से शेर हैं जो इस बात की वजाहत करते हैं। और जब आप उनके शेर पढ़ते हैं, अभी हमारी बेटी ने जो शेर पढ़े बड़े मोटिवेशनल थे। अलामा साहब की सारी पोएट्री बड़ी मोटिवेशनल है। आप इस शेर को आप देखें, खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, मैं इसी फिक्र में रहता हूं कि मेरी इंतहा क्या है। इंतहा क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द अल्टीमेट शेप आई हैव टू टेक। फिर एक और जगह फरमाते हैं और अरूजे आत्मे खाकी से अंजम सहमे जाते हैं, अरूजे आत्मे खाकी से अंजम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा हमारे काबल न बन जाए। एक एक शेर पर अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि इसमें कि ये टूटा हुआ कि इंसान की हैसियत क्या है। पहले खुद आदमी कहते हैं कि इस कायनात में हमारा मुकाम क्या है। आदमी हाकी जब माह कामल बन जाता है तो फिर वो फितरत का रास्ता बन जाता है, फितरत का शरीके कार बन जाता है जैसा कि। और फिर उसकी जो विजन है, जो उसकी सोच है। अब एक और शेर में पेश कर दो अलामा साहब के, अलामा साहब का, जिसको पढ़ के लगता है कि ये खास मूड में कहा गया है, ये खास कैफियत में क्या कहा गया है। हादसा जो अभी पर्दा अफलाक में है, हादसा जो अभी पर्दा अफलाक में है, अक्स उसका मेरे आईना इदराक में है। गौर करें यहां पर जो आदमे खाकी है वो फितरत का रास्दान है,
जो चीजें कहते हैं, जो चीजें होने वाली हैं, जो हादसा अभी पर्दे के फ्लॉक में है, अक्स उसका मेरे आईना इदराक में है। और यही जो आदमे खाकी का महे महे कामल बन जाना ही इकबाल का तसव्वुर शानी है। जब को देखता है एक और जगह पर उनकी दसम है को किसी दोस्त ने उनको रोना हुआ परिंदा भेजा, एक शायर था मुरली अरबी का, वो गोश्त नहीं खाता था, तो उसने कहा, उनका शेर है कि अफसोस सद अफसोस के शाही ना बना दो, परिंदे से कह रहे हैं, परिंदे को किसने शिकार करके उनके दोस्त को भेजा है वो खाए, जब परिंदे को देखा तो कहते हैं कि अफसोस सद अफसोस के शाही ना बना दो, देखे ना तेरी आंख ने फितरत के अशारात। जब शाही बन जाता है तो फितरत के अशारात देखता है। शाहीन के लिए कभी कभी अलामा साहब ने मर्द मोमन का लफ्ज भी इस्तेमाल किया। दो जो तशबीहें हैं जो अलामा साहब देते हैं, कभी मर्द मोमन, कभी शाहीन, और उसके बारे में एक मैं कह चाहता हूं कि एक और शेर आपके पास सामने पेश करूं कि जब एक आम आदमी फौकन बशर बन जाता है, शाहीन बन जाता है, उसके बारे में अलामा साहब कहते हैं, जब उसकी खुदी इतनी मुकम्मल हो जाती है, खुदी को नजर आती है काहरी अपनी, यही मुकाम है कहते हैं जिसको सुल्तानी, खुदी को नजर आती है काहरी अपनी, यही मुकाम है कहते हैं जिसको सुल्तानी, यही मुकाम है यही मुकाम है मोमन की कुवतों का अयार, इसी मुकाम से आदम है जिल्ले सुबहानी। गौर करें इस शेर पर कि दो ही हस्तियां हैं, एक सुबहान है और दूसरा जिल्ले सुबहानी है, ये आदम का कमाल है, ये शाहीन का मुकाम है। पहले हिस्से की बात है, किसी की बात को मैं यूं कदम करता हूं कि जिस तरह कुरान में कुरान का मुखातब इंसान है, अगरचे कुरान में पहाड़ दरिया समुंदर हवाओं मौसमों का जिक्र है, लेकिन नसीहत सिर्फ इंसान के लिए है। इसी तरह अलामा साहब की शायरी का महासर, अलामा साहब की शायरी का अल्टीमेट एंड एक आला अरफा इंसान है, जो असल तकवीम है, जो अशरफुल मखलूकात है, और यही शाहीन का मुकाम है। अब मैं अपने मजमून के दूसरे हिस्से की तरफ आता हूं कि अलामा साहब ने शाहीन का सिमली क्यों इस्तेमाल की, शाहीन में आकर क्या खूबियां हैं, वो किन औसाफ का नुमाइंदा है जिसकी बुना पर अलामा साहब ने शाहीन का इंतखाब किया। जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि मेरी कोशिश होगी कि मैं सवाल जो उठाऊं उनका जवाब अलामा साहब की जुबान में ही दूं। ये सवाल अलामा साहब से भी किया गया कि अलामा साहब आपने शाहीन का क्यों खिताब क्यों इसको शामिल किया, तो अलामा साहब ने जवाब दिया, उन्हें कहा कि इसमें पांच खूबियां हैं और ये जानवर, उन्होंने कहा कि मैंने इसको वैसी शायरी में ऐसे इस्तेमाल नहीं किया, इसके पीछे एक बड़ी बैकग्राउंड है और जो इस्लामी फकर है ये परिंदा उन खूबियों का नुमाइंदा है, उन खूबियों का आईनादार है। और वो खूबियां क्या है, पहली बात ये खुददार और गैरतमंद है, किसी का शिकार किया हुआ शिकार नहीं करता, दूसरी बात बेतालुक है आशियाना नहीं बनाता, तीसरी बात बुलंद परवाज है, चौथी बात खलवत पसंद है, तनखाई में रहता है
ظاہریت میں نہیں آتا, شو بازی میں, نمود و نمائش میں نہیں ہے. اور پانچویں بات, تیز نگاہ ہے, اس کی نگاہ بہت تیز. پانچ خوبیوں کو اگر ہم ان کو مزید ڈیکوڈ کریں, اس کی تشریح کریں کہ خودداری اور غیرت سے کیا مراد ہے, دیٹ از سیلف ڈیپینڈنس, اپنے آپ پر انحصار کرتا ہے, اپنی جدوجہد پر اعتبار ہے, سادہ الفاظ میں ایسی زندگی دوسروں کے استحصال سے پاک ہوتی ہے. جو شخص, کیونکہ ہمیں جو تصور شاہین دیا ہے, ایک پرندے کا تصور دیا ہے, وہ ہمارے لیے ہے, اور وہ بتاتے ہیں کہ جو اس کی خوبیاں ہیں کیا ہیں اصل میں, کہ شاہین میں استحصال نہیں ہے, ایکسپلائٹیشن نہیں ہے, وہ اپنی انٹرپرائز کرتا ہے, اپنی جدوجہد کرتا ہے, اس کا اپنے آپ پر بھروسہ ہے. اور علامہ صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں, آپ اس چیز پر غور کریں, اللہ کو پامردی مومن پر بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. شاہین کا جو مقام ہے, کیا کہہ رہے ہیں علامہ صاحب, کہ اللہ کو بھروسہ ہے مومن کی پامردی پر. وہ یہی بات ہے, مومن میں ایکسپلائٹیشن نہیں ہے, ڈیپینڈنس نہیں ہے, اس کا رول پیراسیٹیکل نہیں ہے. دوسری بات, بے دولتی ہے, آشیانہ نہ بنانے کی بات ہے, یعنی کہ لالچ اور حوث سے پاک رہتی ہے. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر, یہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. اگر دیکھا جائے شاہین پرندوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہے, اگر وہ چاہے تو سب کے گھونسلے وہ جاڑ دیں اور اپنا گھونسلہ سب سے بڑا بنا دیں. دیکھنا جو انہوں نے کانسیپٹ دیا ہے رانا صاحب نے, جو آپ جو مجھے ٹاپک دیا فورم نے, کہ تصور شاہین کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. جب پاور آتی ہے, جب طاقت آتی ہے, اتھارٹی آتی ہے, تو کیا ہوتا ہے, ہم اپنا آشیانہ تو بڑا کر لیتے ہیں اور دوسروں کے آشیانے گرا دیتے ہیں. لیکن یہاں کیا ہے, شاہین طاقتور ہے, اتھارٹی ہے, لیکن اپنا آشیانہ نہیں بناتا, بے دولت ہے. اس کے بعد بے نیازی ہے, کسی کو وہ تنگ نہیں کرتا, اپنا شکار کرتا ہے. اس پر اعتراض بھی لوگوں نے کیے ہیں, میں اس پر بعد میں ہوں, پہلے میں یہ باتیں بیان کر دوں. چوتھی چیز, خلوت پسند ہے, نمود و نمائش کو پسند نہیں کرتا. آپ دیکھیں, جب میں نے پہلے ابھیاس کیا تھا, کہ جب سب کچھ ہو, اتھارٹی ہو, پیسہ ہو, لوگ سننے والے ہو, تو پھر ہم نمائش کرتے ہیں. لیکن جو شاہین ہے, جو شاہین صفت لوگ ہیں, وہ خلوت میں رہتے ہیں, تنہا رہتے ہیں, نمائش نہیں کرتے. اور آخری بات, تیز نگاہ ہے. کیا مطلب, صاحب بصیرت ہے, آنے والی چیزوں کو بہت پہلے سے ماپ لیتا ہے. جو اس کا شکار کا انداز ہے, اوپر پہاڑوں چٹانوں پر بیٹھا ہوتا ہے اور دیکھتا ہے اپنے شکار کو, اس کی نگاہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ. لیکن یہ ہمیں بتانے کا کیا مطلب ہے, کہ ایسے لوگوں کا ایریا آف آپریشن بڑا وائڈ ہوتا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نہیں جاتے. ان کا جو اسکیل آف ویژن ہے, جسے ہم کہتے ہیں, وہ وژنری ہے, ایگل وژنری ہے. اور اپنے تیز نگاہ ہونے کے باعث اپنے شکار کو ایگل بڑی کامیابی سے حاصل کر لیتا ہے. یہی چیز شاہین صفت نما لوگوں میں بھی ہوتی ہے, کہ جو وہ ٹارگٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں, جو وہ دور دیش ہوتے ہیں, بلند پرواز ہوتے ہیں, ان کی نگاہ تیز ہوتی ہے, ان میں بناوٹ نہیں ہوتی. اب میں تھوڑا سا اور آگے چلتا ہوں کہ شاہین کی ضد کیا ہے, کرکس. علامہ صاحب نے صرف شاہی کا ذکر نہیں کیا,
करदस का भी जिक्र किया है। करदस क्या है? करदस खुददारी से आरी है, करदस में खुददारी नहीं है। कैसे? मरा हुआ शिकार करता है, बल्कि इस फिक्र में रहता है कि कोई कब मरे और मैं खाऊं। हवस है, लालच है। और दूसरी, करदस बेदौलत नहीं है, खलबत पसंद नहीं है, बल्कि उनमें किसी कोई मरा हुआ शिकार खाने के लिए इत्तेहाद है और इत्तेफाक है और दौलत है। जब कोई मरा हुआ जानवर देखते हैं तो करगस, जिसे हम अपनी जुबान में गिद्ध कहते हैं, अंग्रेजी में वल्चर्स कहते हैं, फारसी में ये लफ्ज है करगस, जिसे अलामा साहब ने बड़ा पसंद किया और इस्तेमाल किया जी। तो जब कोई मरा हुआ शिकार नजर आता है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मिलकर उस शिकार को खाते हैं। लेकिन कभी भी दो शाहीन मिलकर एक कबूतर का शिकार नहीं करते। कभी भी शाहीन अपना शिकार चूक करता है। फिर करदस की प्रवास छोटी है, कोता प्रवास है, करदस कोता नजर है, उसका लेवल नीचे है। जो दो शेर मैंने लिखे थे वो हमारी बेटी ने पहले पढ़ दिए। अलामा साहब कहते हैं कि ये दोनों किरदार हर माशरे में होते हैं। परवाज है दोनों की उसी एक पदा में, करदस का जहां और है, शाही का जहां और है। कि ये जो किरदार है, अब देखना जो तस्वर शाही है वो ऐसे नहीं है, वो उसके खास मीनिंग है कि माशरे में दोनों किस्म के लोग होंगे और वो दोनों कामयाब होंगे, नाकाम नहीं होंगे। करगस भी कामयाब है, शाहीन भी कामयाब है। लेकिन जो अलामा साहब बात कहते हैं कि उसके इरादे नेक हैं, उसकी निगाह पाक है, ये शाहीन के बारे में कहते हैं कि उसके इरादे नेक, उसकी निगाह पाक, उसके मकासद जलील। लेकिन इसके बरक्स ये कोहता प्रवास, कोहता नजर, हवस से भरा हुआ। तो मेरे मस्जिद में सामयी, मुझे खुशी है कि आप लोगों ने मुझे स्पीकर बनाया हुआ, मैं तो एक वेंडर था, अब वो भी खत्म हो गई वेंडिंग में। ये अल्लाह का करम है, तो ये असल तस्वर है शाहीन का, कि शाहीन सिफत लोग हमारे माशरे में होते हैं और करगस सिफत लोग भी इसी माशरे में होते हैं। हमें मोटिवेशन है कि इन चीजों की खूबियों को अपना के शाहीन बनना है। अब थोड़ी सी बात मैं और कर लूं, क्योंकि जब हम इकबाल के शाहीन का जिक्र करें तो एक ऑब्जेक्शन आता है अलामा साहब पर कि शाहीन का तस्वर ये नहीं कि अलामा साहब ने ही दिया। अलामा साहब से पहले मगरब के अदब में, मगरब की शायरी में, फलसफा में शाहीन का तस्वर मौजूद था। जो सबसे पहली तहजीब है ग्रीक सिविलाइजेशन, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट था कि एक आदमी जो अकल और दानिश की बातें करने वाला हो। अच्छा जी, तो ये वो कहते हैं कि लामा साहब ने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं दिया। ग्रीक की तहजीब में था कि दी फिलोसोफर किंग, वो बादशाह जो फलसफे को जानता हो, अकल और दानिश की बातें करता हो। और जो ज्यादा इतराज है कि अलामा साहब से पहले जर्मन वक्त थे नेट्शे, अलामा साहब ने नेट्शे ने कॉन्सेप्ट दिया था सुपरमैन का। एक सुपरमैन आएगा, वो फोकल बशर होगा, वो दज्जाल दलाएगा, वो रफाई दलाएगा और वो अशराफिया से आएगा, वो ताकत का मजहब होगा। तो चूंकि अलामा साहब जर्मनी भी गए थे, वहां से अपनी पीएचडी की, तो लोग कहते हैं कि अलामा साहब ने शाहीन का तस्वर वहां से लिया। लेकिन अगर हम गौर से देखें, मैं चाहता हूं मैं इस बात की वजाहत करूं
कि अलावा साहब का शाहीन नेक्स्ट के सुपरमैन से बहुत मुख्तलिफ है। नेक्स्ट का सुपरमैन ताकत का सिंबल है, लेकिन ताकत का हजूर जिस तरह भी हो उसमें लोगों को मारना पड़े कोई इसकी कोई बात नहीं, और उसमें गरूर है, तकबर है, एहसास बदतरी है। नक्शे का इंतकाल 1900 में हुआ और उसके ख्याल को जर्मन कौम ने अपनाया। इसके बायस दो जंगें हुई और इसमें लाखों लोग मरे, वो एहसास बदतरी, वो गरूर, तकबर। लेकिन इसके बरक्स जो इकबाल का शहीन है वो खैर की अलामत है, उसमें रहनुमाई है, वो पाथ फाइंडर है। आज की इस बार में वो पाथ फाइंडर है, उसमें रहनुमाई है और फला है और वह इस्तेसाल से पाक है। और आज की इंसानियत ऐसे ही शहीन की तलाश में है। अब मैं अपनी तीसरी बात करता हूं, जो मैंने ये कहा था कि अलामा साहब ने ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया किन के लिए दिया, अलामा साहब के मुखातब कौन थे। एक मुआशरे में तीन तबके होते हैं, बच्चे, नौजवान और बूढ़े लोग। यहां जो अलामा साहब का पैगाम है, अलामा साहब की जबान में शाहीन कौन है, और मुझे बड़ी खुशी है कि यहां बच्चे बैठे हैं, बच्चियां बैठी हैं। अलामा साहब की जुबान में ये बच्चे और बच्चियां शाहीन हैं, और वो बार बार कहते हैं कि इन बच्चों को बालों पर दे खराब कर गई शाहीन बच्चे को सोते जात। अलामा साहब की जुबान में हर बच्चा शाहीन है, लेकिन अगर उसे वो माहौल मुयसर आ जाए, वो तालीम तरबियत मुयसर आ जाए। मुझे इस एक बात की और भी खुशी है कि जो हमारे मेहमान खसूसी हैं वो डीसीओ सियालकोट जनाब नदीम सरवर साहब हैं, जो एक इलम दोस्त अंसार हैं और अंसार दोस्त हैं। तो मुझे कुछ और भी हौसला हो रहा है कि मैं इस कॉन्सेप्ट को, जो मैं बड़ी देर से इसको डेवेलप कर रहा हूं, और ये आइडिया भी इन्हीं का है, क्योंकि तो हम चार पांच साल से यहां चैम्बर में वहां से जीराबाद से जो जुल्फार चीमा साहब थे उन्होंने यहां एक फंक्शन कराया था, उस वक्त से हम इस पर काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि नदीम सरवर साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, वो भी इस आइडिया की को उठाने वाले हैं, प्रमोट करने वाले हैं। इसलिए हौसला हो रहा है कि इनकी मौजूदगी में मैं वो बातें कर दूं जो हम करना चाहते हैं। अलामा साहब कहते हैं हर बच्चा शाहीन है, लेकिन ये कैसे बनेगा शाहीन? मकतब की अहमियत पर जोर देते हैं, क्योंकि अगर उस शाहीन बच्चे को मकतब का माहौल मुयस्सर नहीं आया तो वो बच्चा क्या बन जाएगा? करगस बन जाएगा, और बार बार अपने शेरों में इसका इजहार करते हैं। और एक लिहाज से जो उनकी जो बांगे दराव में सात नज़में हैं लगातार, जो सारी बच्चों के लिए, जैसे आप बच्चों ने पढ़ा होगा, आप सबने पढ़ा है कि बुखार और गुलेरी। आप सोचिए कि अलामा साहब जैसे इतना बड़ा शायर वो बुखार और गुलेरी की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक सबक है, इस कायनात में कोई चीज नकमी नहीं। रब ने किसी को छोटा बनाया, किसी को बड़ा बनाया, लेकिन हर किसी का रोल है, इस कायनात में कोई चीज नकमी नहीं। फिर जो उनकी दुआ है मशहूर, लपयाती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, उसमें इलम से प्यार है, इलम की अहमियत है। फिर एक और, जब हम किसी को तनख्वाह देखते हैं तो शेर पढ़ देते हैं, बैठा था किसी टहनी पे उदास तनख्वाह बुलबुल, उसकी क्या जरूरत थी? उसमें हमदर्दी है। ये एक बेस बना रहे हैं अलामा साहब बच्चों की, ताकि जब उनकी इस बेस से वो आएंगे मकतब में तो फिर वो शाहीन बनेंगे। लेकिन अगर मकतब का माहौल वो नहीं है तो फिर क्या होगा?
कि वो फरेब खुर्दा शाही के पला होकर कस्बों में उसे क्या खबर कि क्या है राहुल उसमें शाहबाजी कि वो जो शाही बच्चा है वो करगस बन जाएगा। और बार बार हमें उनके शेर मिलते हैं रामा साहब के, जिनमें मैं कुछ आपके सामने पेश करता हूं। शिकायत है मुझे यारा खुदा वंदारे मकसद से, शिकायत है मुझे यारा खुदा वंदारे मकसद से, सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। शाहीन जो बुलंद परवाज है, बुलंद निगाह है, मकतब क्या कर रहा है, उन बच्चों को खाकबाजी का करगस बना रहा है। फिर कहते हैं उठा मैं मदरसा व खानकाह से नमनाक, उठा मैं मदरसा व खानकाह से नमनाक, न जिंदगी न मोहब्बत न मार्फत न निगाह। आज वेस्ट में बड़ा जोर है नॉलेज मैनेजमेंट का, वो कहते हैं कि दिस इज इरा ऑफ नॉलेज। यहां गौर करें इस शेर में इलामा साहब ने जो नॉलेज के चार फेज बयान किए, उठा मैं मदरसा व खानकाह से नमना, न जिंदगी न मोहब्बत न मार्फत न निगाह, और निगाह आखिरी मुकाम है। कह रहे हैं कि इट इज स्टिल लाइफ, जिंदगी नहीं है, स्टिल लाइफ है। तो मकतब खान का पहली चीज क्या देगा एक बच्चे को, जिंदगी, फिर मोहब्बत, फीलिंग्स, जैसे वो जो पोएम है पहाड़ों गलहरी बुलबुल और जुगनू, और फिर मार्फत, और आखिर में निगाह। और निगाह के बारे में क्या कहते हैं, निगाह मर्द लोगों से बदल जाती है करती रही। तो बात यह है कि नहीं समझ सके इलामा साहब के कलाम को। अब और देखें, हुई न जात में पैदा बुलंद परवाजी, जात कहते कौवे को, हुई न जात में पैदा बुलंद परवाजी, खराब कर गई शाही बच्चे को सोहबत जात। यहां मैं बहुत जोर दूंगा और दरखास्त करूंगा अपने सारे दोस्तों से, नदीम सरवर साहब से भी, कि शाहीन को कैसे बनाएंगे, वो मकतब होगा, वो मकतब होगा जिसमें शाहीन शाहीन बनेगा, कर्दश नहीं बनेगा। और जो उनकी दुआ है वो ही है जो हमारी बेटी ने पढ़ी है, इन बच्चों को बाहर कर दे। यहां मैं एक और चीज शेयर करना चाहता हूं। मेरा चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, और मैं समझता हूं कि मुझे सियालकोट से वैसे ही बाल मिला, मैं जब यहां आया था तो मेरी कोई पहचान नहीं थी। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं और इकबाल की बात कर रहा हूं, और इकबाल की शाहीन की बात कर रहा हूं। हमारा अपना दारा है, हम जाते हैं, मैं फैसलाबाद गया तो वहां मैंने इकबाल की बात की, वहां मुझे एक क्वेश्चन मिला, मैं चाहता हूं जो हमारी बेटियां हमारे साथ बैठी हैं इनसे शेयर करूं। एक हमारी बेटी थी अरफा करीम, उनका नाम सुना सबने, शीवाज वो इकबाल का शाहीन थी। आपको पता है बिल गेट्स यहां आया था उसको मिलने के लिए, उसको प्राइज दिया था, उसने दुनिया में एक वर्डर किया। उसका एक सवाल है जो मैं चाहता हूं मुझे याद आ गया, मैं इस फोरम पर रखू। वो सवाल ये था कि इलामा साहब ने तो मर्द मोमन की बात की है, क्या कोई खातून इस मकाम पर पाइस नहीं हो सकती। जरा सवाल की परवाह देखें, कहा जी अलामा साहब ने तो मर्द मोमन की बात की है, तो मुझे उन्होंने कहा मलिक साहब आप बड़ी बातें करते हैं इलामा इकबाल की, इस सवाल का जवाब। तो मैं खुद हैरान हो गया कि हमने कभी इस बात पर नहीं सोचा कि क्या मर्द मोमन सिर्फ मर्द ही हो सकता है। तो मैंने फिर जवाब दिया जो मुझे समझ दिया अल्लाह ने, कि इन फैक्ट वो बच्ची शाहीन के मुकाम पर फायज थी, तभी उसने ये सवाल पूछा, क्योंकि सारी खूबियां थी उसमें, शाहीन वाली वो बुलंद परवाज थी, बुलंद लगा थी, और उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी। तो मैं ये यहां ये कहना चाहता हूं कि शाहीन के तसव्वुर में सब शामिल है, बेटियां भी हमारे। मैं
वो जो हमारी बेटियां हैं वो भी शामिल हैं, और अभी जिस बच्ची ने यहाँ आके बड़े हिम्मत से और बा आवाज बुलंद जिक्र एक बार किया, वही वही उस शाही बच्ची है और सब जो बच्चे हैं। और यही मकसद है कि जो हम आज ये महफिल से जाके बैठे हैं, आज वर्किंग डे है और हम आप सब लोग अपने काम छोड़ के स्पेशली दीम साहब अपना दफ्तर छोड़ के आए हुए हैं, मकसद क्या है कि वो बच्चे जो शाहीन है हम उनको बालों पर अदा कर सकें, और सारे बच्चे हमारे बेटे हमारी बेटियां सारे शाहीन है। मेरे ख्याल में मैंने खासी बात कर दी है शाहीन पर। अब मैं जो हासिले गजल जिसे कहते हैं शायरी में उसकी तरफ आता हूं कि शाहीन का तस्वर जो है वो कहां तक उसकी एप्लीकेशन है। क्या हम यही करें कि जब इलामा इकबाल का दिन हो 21 अप्रैल या 9 नवंबर, उसमें हम ये फंक्शन करें, स्पीचेस करें, शाहीन का जिक्र करें और खत्म कर दें, या हम एक हफ्ता मना रहे हैं? तो क्या इकबाल का शाहीन का तस्वर सिर्फ पढ़ने और सुनने की हद तक है, सुनाने की हद तक है? इसमें मेरा जो मेरी सोच है कि अलामा साहब जो चाहते थे कि शाहीन आज भी हमारे दरमियान मौजूद है, ये दादा के जरा नाम पहुंच रही हुई टीम बहुत जरूरी है। जैसा भी फिर जब स्पेन गए तो कर्बला की मस्जिद में गए तो वहां उन्होंने कहा कि मैं जो एक नजारा देख रहा हूं, मशरक को उभरते हुए देख रहा हूं, और उसने कहा कि आज भी इस देश में आम है चश्मे रजा और उनकी निगाहों की तीर आज भी है नशी। तो मेरा ये यकीन है कि हमारा मुआशरा शाहीन से खाली नहीं है, हमारे मुआशरे में शाहीन है। और हमारा तालीम का अपना मकसद क्या है, बाप की शाही का मकसद क्या था कि हम शाहीन बच्चे पैदा करें। चूंकि मेरी जो सारी तालीम है वो मगरब की है, मैनेजमेंट साइंस, मैं बेसिकली मुआशियात का इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, जब मैं वहां की चीजें पढ़ता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं कि जो आज के दौर की 2014 की ये 5 नवंबर की जो मैनेजमेंट साइंस का सेंट्रल पॉइंट है, एक रोड मैप फॉर सक्सेस एंड इफेक्टिवनेस, वो दो बातें करते हैं, सक्सेस एंड इफेक्टिवनेस। कभी भी वो सक्सेस की बात नहीं करते, सक्सेस एक कामयाबी है, इसमें सेल्फ कामयाब होता है, एक आदमी बजाते हैं खुद कामयाब होता है। मैं स्टेट बैंक का चीफ मैनेजर बन गया, ये मेरी सक्सेस है। लेकिन अगर मैं कोई अच्छा काम कर दूं, ये मेरी इफेक्टिवनेस है। वो इस तलाश में है और उनके कॉन्सेप्ट है सर्वेंट लीडरशिप, कि जो लीडर है वो सर्वेंट है। ये वहां का एक बड़ा मेन टॉपिक है सर्वेंट लीडरशिप, उसमें बड़े बड़े नाम हैं, स्टीफन कोवे, रॉबर्ट ग्रीनलीफ। लेकिन मैं जब इन चीजों को पढ़ता हूं तो मेरी निगाह फौरन जाती है अपने रिश्ते की तरफ, क्योंकि हजरत उमर ने कहा था कि सैयदुल कौम खादिमुल कौम। अब वो कह रहे हैं, अब वो बातें कर रहे हैं सर्वेंट लीडरशिप। तो जो मैं चाहता हूं आपको बताना कि वो सिर्फ लीडरशिप की बात नहीं कर रहे, लीडरशिप असेसमेंट मॉडल्स हैं जो वहां बुक्स आ रहे हैं। मसलन एक बुक बड़ी मशहूर है जो बच्चे बच्चियां एमबीए कर रहे हैं जरूर पढ़ी होगी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। देखो उन्होंने ये भी कहा कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, दे यूज द वर्ड इफेक्टिव, जो सक्सेस के बाद है। यही इलामा साहब का जो पैगाम है कि प्रवास है दोनों की नसी एक फजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और, करगस सक्सेस है शाही इफेक्टिवनेस है।
और वो लीडर को असेस करने के लिए उनके पास बड़े स्केल्स हैं, पैमाने हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, जो कहते हैं स्ट्रेस टेस्ट है कि डिफरेंट डेटा इकट्ठा करते हैं। लेकिन हैरानी की बात है ये बातें जो वो आज कर रहे हैं अलामा साहब ने 1930 के आसपास कर दिए। ये जो कॉन्सेप्ट है अलामा साहब का सब जिसकी हम बात कर रहे थे सबर शहीन की, ये कब कहा उन्होंने? 1930 में मगरब की जो नॉलेज था उसमें लीडरशिप का कोई ऐसा जिक्र नहीं था। उसमें जो लीडर था वो जालिम था, मजदूर मजलूम था, जैसे अलामा साहब ने कहा था कि तू आज तो कादल है मगर तेरे जहां में है तरफ वक्त बनता है मजदूर की औका। यह मगरब की सरमायादारी के बारे में कहा था 1930 में, क्योंकि वहां ऐसी कोई चीज नहीं थी। मेरी एक बार ट्रेनिंग थी तो सब लोग बाहर से आए हुए थे तो उन्होंने लीडरशिप का खाका पेश किया कि लीडर क्या होता है। लीडर के पास एक विजन होती है, फिर उसके पास एक मिशन होता है और वो उसमें सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, वो लोगों को मोटिवेट करता है। तो उन्होंने कहा कि आप सब अपनी जुबान में इसको बयान करें। तो मैंने कहा कि मैं रामायण पाल तक शेषता हूं, सारे हंस पड़े कि मैनेजमेंट की क्लास है और इसमें ये सियालकोट के चीफ मैनेजर कहते हैं मैं शेर सुनाऊंगा। जब मैंने शेर सुनाया उन्होंने कहा हमें लिख कर दें इसका तर्जुमा बताएं। शेर क्या था? निगाह बुलंद सुखद दिल नवाज जा कुछ सोच यही दरख्त सफर मीरे कारवा के लिए। तो मेरे मजद सामीन बच्चे और बच्चियों, मैं चाहता हूं कि हम इकबाल के तसव्वुर शाहीन को बातों की हद तक ना रखें। क्या करें कि जिस तरह मगरब की मैनेजमेंट, अगर उनको हर एक बात और मैं करूं, हम तसव्वुर शाहीन को ना खुद समझ सके ना उनको बता सके, वरना शाहीन की जो सिफात है, इनफैक्ट This is a leadership assessment model. किस तरह आपने अपने रहनुमा की शिनाख्त करनी है, पहचान करनी है। अगर उनके पास ये कॉन्सेप्ट पहुंच गया होगा तो वो इसका कुछ बना देते, इसका इस्तेमाल करते अमली तौर पर। यही मैं चाहता हूं कि अपनी बात को यहां खत्म करूं कि आज इकबाल से यौम तशदीद का दिन है, आज इकबाल से वफा का दिन है। हम जो उठते बैठते अलामा साहब के शेर पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, क्या ये यही तक है? क्या हमारी जिंदगी के शब रोज में वो चीजें नहीं आनी चाहिए? और मैं फिर इस चीज को रिपीट करता हूं ये डीसीओ साहब को कि वो तशरीफ फरमा है और इस सीरत स्टडी के सदर भी हैं, सीरत स्टडी सेंटर के प्रेसिडेंट भी हैं। तो मैं आखिर में कुछ गुजारिशात चाहता हूं पेश करना। मुझे खुशी भी है कि सीरत स्टडी के अंडर और थिंकर फोरम के अंडर एक इकबाल की नशिस्त भी हुई है और एक इकबाल का फोरम भी मौजूद है। तो पहले मेरी गुजारिश ये है के फहमे इकबाल से आशना लोगों पर मुश्तमल एक कमेटी बनाई जाए जो लामा साहब के बयान करदा शाहीन की खूबियों पर मुश्तमल एक लीडरशिप असेसमेंट मॉडल बनाए कि लीडर क्या हमारी सफों में इन आवर रैंक्स डोंट वी हैव पीपल ईगल लाइक पीपल। वो लोग, और मैं समझता हूं कि ये एक कर्ज है हम पर इकबाल का और खास तौर पर सरजमीन सियालकोट पर, क्योंकि इकबाल इस सरजमीन से है और इकबाल ने कहा है कि जरा सा नाम हो मेरी मिट्टी बहुत जरखेज है। एक कमेटी बनाई जाए जो इस पर काम करे कि इकबाल का शाहीन क्या है। कुछ मैंने गुजारिशा की है आपके सामने, इसके अलावा ये एक आगाज है। एक कमेटी ये एक पैरामीटर्स बनाए
कि शाहीन का जो तस्वर है उसके क्या पैरामीटर्स हैं, और इस सिलसिले में मुल्क में जो फरोग इकबाल के अदारे हैं लाहौर में इकबाल अकेडमी ऑफ पाकिस्तान है, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में पूरा एक इकबालियात का डिपार्टमेंट है, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आई थिंक एक चेयर है इलामा इकबाल की, और बाकी यूनिवर्सिटियों में भी सारी यूनिवर्सिटियों में हम उनसे वो जो कमेटी बनाई जाए वो उनसे भी बेनिफिट ले, उनसे फीडबैक ले, उन्हें हम लेटर लिखे, एक सेंटिमेंट इकबाल का आ जाए। देखा ना, मैं अभी जब लाहौर से आया तो मैंने देखा बैनर लगे हुए थे, उसमें मेरा भी नाम था, तो इंसान है, पहले तो मैं भी खुश हुआ, फिर मैंने अल्लाह से माफी मांगी, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे आज यहां बुलवाया और मुझे इतनी इज्जत दी कि मैंने इकबाल पर बात कर ली। तो हम क्या करें, जैसे इन बच्चों ने महफल में शमूलियत की, एक सेंटीमेंट होना चाहिए इकबाल का हमारी जिंदगी में, और वो सेंटीमेंट कैसे आएगा, जब हम सब्र शाहीन को एक प्रैक्टिकल शेप दे दें, उसका एक असेसमेंट मॉडल बना दें और इस काम को कर डालें। इसमें इसका आगाज थोड़ा सा हो चुका है, और मैं फिर असद इजाज का नाम लूंगा कि 2010 में हमने अपने तौर पर इसका आगाज किया था, और एक आला पुलिस ऑफिसर जिसको कमेटी ने रिकमेंड किया था, इनमें वो खूबियां हैं जो इकबाल के शाहीन की खूबियां हैं, तो 2010 में हमने इकबाल का शाहीन बराए 2010 का अवार्ड दिया था इसी सियालकोट शहर से। इसका हम आगाज तो एक एटमोनस लेवल कर चुके हैं, अब इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, वो कमेटी बनाई जाए, और जो ये अपनी सिफारिशात मरतब करे, और 21 अप्रैल 2015 को इकबाल का शाहीन बराए 2015 अवार्ड का इजरा किया जाए। और ये जो हम दे रहे हैं एक्सीलेंस अवार्ड फला, क्यों नहीं हम इसको बदलते इकबाल का शाहीन, कोई ऐसा एक्सपोर्टर जिसने कमाल किया, जो इतना बुलंद परवाज था, इतना तेज निगाह था, उसने एक चेंज लेकर आ गया। तो हम सारे अपने अवार्ड्स को, और नॉट ओनली इस सीनियर स्टडी सेंटर से, चैम्बर से, एसोसिएशन से, अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हम अपनी सफों में इकबाल का शाहीन तलाश करें। अगर से काम नया है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, यही इकबाल का ख्वाब है, ये काम ये किया जाए। और दूसरा, जहां बच्चों ने शाहीन बनना है उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, वो जो हमारे मदरसा है, खानकाह है, उसको उसका जो तालीम का लेवल है, क्योंकि शाहीन बच्चा वहीं से बनेगा, और यही मेरी गुजारिशात है कि अगर इसको आप लोग काबिले अमल समझते हैं तो इसका आगाज कर दिया जाए। अगर जब दुनिया, मगरब की दुनिया इकबाल के शहीद के इस मफहूम से आशना हो जाएगी, वो इसे अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि इतना आला और बरतर मियार, एक आला और अरफा इंसान को चेक करने के लिए और नहीं है। मैं ये जज्बाती बातें नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी स्टडी है, मैं पढ़ता हूं वेस्टर्न मैनेजमेंट को, आखिरी बात करके फिर मैं इजाजत लूंगा। एक वहां बुक छपी है, फ्रॉम गुड टू ग्रेट बाय जेम स्टुअर्ट कोलंस, फ्रॉम गुड टू ग्रेट, उन्होंने कोई 1500 ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स को चेक किया, असेस किया, और एक मयार मुकर्रर किया कि सबसे अच्छा लीडर कौन है। उन्होंने दो चीजें दी, एक तो उसमें एक काम करने का जज्बा हो, और सेकंड ह्यूमिलिटी, उसमें आजजी हो। चीफ एग्जीक्यूटिव किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए दो चीजें चाहिए, जेम्स कोलंस के हिसाब से, फ्रॉम गुड टू ग्रेट।
एक उसमें काम करने का जज्बा हो और एक उसमें इंतहाई दर्जे की आजिजी हो। मुझे इस बात की समझ नहीं आई क्योंकि मुझे एक सवाल परेशान कर रहा था कि जब अथॉरिटी आती है तो साथ साथ गुरूर तकबर भी आता है, जब कामयाबी आती है तो अथॉरिटी आती है। लेकिन मैं अपनी बात एक हदीस पर खत्म करना चाहता हूँ। मैंने एक हदीस पढ़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपका फरमान था इल्म मेरा हथियार है। मैंने कहा ना कि जब वो चीजें पढ़ता हूँ तो फिर समझ आती है, जब यहां का रेफरेंस देखता हूँ, जब इल्म आएगा अथॉरिटी आएगी, जब अथॉरिटी आएगी गुरूर तकब्बुर आएगा कि मैं इस अदारे का मालिक हूं। बिल गेट्स इतनी बड़ी फाउंडेशन, वो खुद ये कह रहे हैं कि आजजी होनी चाहिए। लेकिन फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, इल्म मेरा हथियार है और आजजी मेरा फखर है। इल्म मेरा हथियार है और आजजी मेरा फखर है, शौक मेरी सवारी है। क्या चीजें हैं ये हम कैसे बताएंगे जब अपने मदरसे को ठीक करेंगे और जब अपने मुआशरे में अपनी जिंदगी के शब और रोज में एक इकबाल का सेंटीमेंट पैदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया तौहीद साहब। जैसा कि मैंने शुरू से कहा था कि सियालकोट में तसव्वुर शाहीन के लिए आपको इसीलिए मुंतखब किया कि अल्लाह के फजल से आपने यहां बतौर शाहीन सर्व किया। तो अब मैं नदीम सरवर साहब, क्योंकि ये बहुत पहले से सियालकोट को सर्व कर रहे हैं, दिलो जान से कर रहे हैं, आज उनकी जो यहां मौजूदगी है वो भी इसका सबूत है। और यकीन मानिए कि मैं आपसे बच्चों और मजद वातिलो हजार को खास करूंगा कि ये भी इकबाल के शाहीन है, जरा इनको पकड़ चलना चाहिए। आज तो बात यह है कि अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूं कि सीरत स्टडी सेंटर में जो सबसे बड़े मकासद हैं उसमें से एक बहुत बड़ा मकसद वो यही है कि कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे की जाए, बच्चों की और बड़ों को किस तरह उनका किरदार इस्लामी और वो आफाकी बनाया जाए जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। और ये शाहीन का तसव्वुर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि माना के ये इकबाल से है, माना के ये जर्मन फिलोसोफर ने भी कहा होगा, लेकिन आप याद रखें कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी जो औसाफ हैं सारे के सारे नबियों पैगंबरों के बाद जब शामिल हुए तो वो जाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि तसव्वुर शाहीन दरअसल ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया है, गुड गवर्नेंस और ये मैनेजमेंट, ये सारी बातें, ये इज्जत और इंतसार कहां से आया, नहीं से आया। और इसका सबूत अल्लामा इकबाल क्या देते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना हो मुझे। तो बात कहने की यह है कि ये काम का यहां आगाज है, छोटा है, मामूली है, लेकिन इंशाल्लाह ये थिंकर फोरम वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने हमारा साथ दिया। और यहां सीरत नबी के मतलब प्रोग्राम हो रहे हैं वो सारे के सारे तसव्वुर शाहीन हैं। और अब पिछले कुछ माह से यहां हमने सीरत नबी के साथ थिंकर फोरम के प्लेटफॉर्म से ही इकबालियात के मुतल्लिक यहां प्रोग्राम शुरू कर दिया है, जिसको आप फहमे इकबाल कह लें, कोई भी लफ्ज दे लें। इंशाल्लाह चौधरी नईम साहब
और नदीम सरदार साहब का ख्वाब इंशाल्लाह आप लोगों की मदद से हम जल्द पूरा करेंगे। आखिर में मैं फिर साहब सदर इनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें, क्योंकि ये आज का दिन हमने न सिर्फ शाहीन का तस्वर दिया है बल्कि शाहीन भी रखे हैं जो कि सियालकोट के शाहीनों को दिया जाए। शुक्रिया। आइए खवातीनों हजरात और खास तौर पे मेरे शाही बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ पे आके इंतहाई खुशी हो रही है, खास तौर पर इसलिए कि एक तो ये उन्वान जो था वो मेरा बड़ा पसंदीदा था, जिसके लिए हम सब ने जब इशादत की तो चौधरी मजीद साहब जो मेरे लिए बड़े मोजिस हैं उनका नाम सामने आया। तो इसके अलावा हफ्ता इकबाल जो हम पहली दफा शायद से आपको पहले से रुपयों में बुलाते मनाया जाता था, इस दफा हमने फैसला किया कि हम शुरू करेंगे। इस सियालकोट पे हक है इकबाल का कि वहां पे कम से कम एक हफ्ता को यौम वलादत की तकरीबात जारी रहनी चाहिए। उस सिलसिले में हमने कोशिश शुरू की, मुहर्रम भी था, कल 10 मुहर्रम था, उस वजह से हम शायद पहले एक दो दिन कुछ नहीं कर सके। तो आज सुबह वॉक से शुरू किया कि ये तकलीफ है, इसके आगे जो प्रोग्राम्स हैं उनमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक तकलीफ है, ट्राईपोर्ट पर भी एक तकलीफ है, स्कूल और कॉलेज में कलाम इकबाल और मिली जंगों के मुकाबला जारी है जिनके फाइनल्स जो हैं वो 7 नवंबर को होंगे। फिर इसके बाद 8 नवंबर को हम एक बड़ा शायन शान किस्म का मुशायरा अनवार क्लब में अरेंज करेंगे और फिर 9th को हमारा प्रोग्राम है कि हम इस बार के बुजुर्ग जो है वाल की कब्रों पे जाके हाजिरी दें और दुआ। बुक फेयर भी शुरू कर दें बार क्लब में, जिसमें इकबाल याद का एक अलहदा अच्छा सेक्शन होगा और वो कोशिश की है ऐसे लोग आए। किताब आज कल बहुत महंगी हो चुकी है, जो सब्सिडाइज ज्यादा सब्सिडाइज रेट पे वो किताबें भी लोगों को दें। अभी आज जो काफी हुई है उसमें मैं तो उनके सामने खड़े होके सूरज को चराग लगाने वाली बात है कि मैं उस पर कमेंट करूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जैसे फरमाया कि दोनों की प्रवास है इसी एक फिजा में, करगिल का जहां और है शाहीन का जहां और, तो ये बात हो रही है माहौल की। फिजा तो एक है लेकिन माहौल में फिर मकतब भी है जो एक एलिमेंट है, तो बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है। आज के दौर में हम देखें तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये बड़ी मुश्किल सी नजर आती है। मैं मायूस तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर लगता है कि जो कल्चर है जिस तरह अब इंडियन कल्चर डोमिनेट कर रहे हैं हम पे मीडिया की सूरत में और सारा कुछ, इस सब को सामने रखते हुए वो बच्ची बच्चों को माहौल देना कि वो शाहीन बने ये और भी बड़ा चैलेंजिंग काम हो जाता है। ना मदरसा मकतब हो रहा है ना माशरा हो रहा है। मकतब में आप देखिए, मैं खुद एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरे वाले साहब हेडमास्टर थे, तो उस वक्त के लोगों को देखा करते थे तो बड़ी इज्जत होती थी उस टीचर की। जो इज्जत मैंने देखी है वो ये है कि वो किसी को कहते भी कुछ नहीं थे और लोगों पे उनका एक रोग दबदबा आउट ऑफ रिस्पेक्ट होता। अब ना वो स्टूडेंट था ना वो टीचर। पिछले दिनों हम एक मीटिंग में यही जिक्र करते थे कि हमने आजकल बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं, स्कूलों को क्लासरूम दे रहे हैं, फर्नीचर दे रहे हैं,
बुक्स दे रहे हैं, बच्चों को यूनिफॉर्म दे रहे हैं, फीस भी नहीं है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं गलत होती है। वो टीचर की डेडिकेशन जो आज से कई साल पहले थी वो कहीं नहीं। उस वक्त के टीचर्स जो हैं वो बच्चों को जीरो पीरियड भी पढ़ाते थे, छुट्टी के बाद भी पढ़ाते थे, कोई किसी किस्म की फी नहीं होती थी, सिर्फ इसलिए कि उनकी इज्जत हो, उनके रिजल्ट अच्छे हैं, उनके बच्चे किसी मुकाम पर पहुंचे और उनका भी नाम। अब ये चीजें बिल्कुल नापैद हो, इस पर हमें सोचना हो कि वो मकतब जिसकी आप बात करते हैं वो कैसे उसको रिवाइव करना है, उसको रिवाइव करना है फिर इन बच्चों को माहौल जिसमें कर्ज भी है और फिर इन्हें हमने शाहीन बनाना है, वो कैसे होगा। माशरे का जो इस वक्त हाल है वो मुझसे ज्यादा आपका ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप समझते हैं कि किस तरह हम जा रहे हैं। ना कोई रेट है किसी किस्म की, गवर्नमेंट की नजर आती है ना, मैं खुद कह रहा हूँ यहाँ पे खड़े होकर कह रहा हूँ, इतनी चीजें अब तरी की तरफ चली गई कि एक मायूसी जो कि खुदा का रास्ता नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल चीजें इतनी डिटेरियोरेट हो गई कि अब कोई उनका हल नजर नहीं आता। तो कोशिश हम करेंगे कि जो अपने लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, नॉन गवर्नमेंट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन मिल के इस सिलसिले को रिवाइव करें ताकि जो बच्चे जो है सही मैन आने वाले जो हैं इस कंट्री के नवाब हैं, वो सही मैन उन्हें इस बात को समझें और उनकी तालीमात का अमल करते हुए वो आगे बढ़ें और इस मुल्क की भाग दौड़ सकें। मैं थिंकर्स फोरम का खसूसी तौर पर शुक्रगुजार कि आप बड़ी लगन से ये सारे प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, हमारे फार्मर टू के जो हैं वो पेज पर बड़ी भरपूर शिरकत कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि इतने अच्छे ये प्रोग्राम्स हो, आइंदा सालों में ये सिलसिला जो बाद के हवाले से शुरू हो गया कि ये पूरे सियालकोट में फेस्टिविटी हो और लोग उससे सीखें। बच्चे जो हैं छोटे बच्चे दूसरे स्कूलों में भी तो इस रैकेट से मुझे कुछ नजर आ रहे हैं, फिर बात उधर ही आ जाती है कि कुछ तालीम का निजाम भी कई निजाम है वो भी हमें देखना पड़ेगा। एक दो बच्चे हैं वो इसी सोसाइटी में है, वो देखने में डिफरेंस कितना है, एक क्या चीज पढ़ रहा है और दूसरा क्या चीज पढ़ रहा है। स्कूलों के बारे में मैं एक बात करना चाहूंगा, मैंने एक इंडिकेटर अपने जेहन में रखा हुआ है, एक बेंच मार्क जेहन में रखा हुआ है कि स्कूल मैं समझूंगा कि उस वक्त ठीक हो गए हैं जब तमाम टीचर्स और जो मैनेजमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट की राइट फ्रॉम द प्रोविंशियल लेवल टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, उनके अपने बच्चे जब सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो मैं समझूंगा अल्लाह करे सही डायरेक्शन में चल पड़े। कोई हमें ऐसा, अभी हमारे मुल्क में एक सियासी और क्यादत का बहरान भी बहुत बड़ा है, आप अलावा कायदे से देखें आगे तो कोई उस टीचर का जब उससे काफी कम दर्जे का भी हमें लीडर नजर नहीं आता, अल्लाह करे इन बच्चों में से जो हमारी आने वाले मुस्तकबिल जिनके हाथ में है उसमें से ऐसे लीडर हमें मुयस्सर आए जो इस मुल्क की बात और संभालें और वाकई इसको दुनिया में एक शाहीन मुल्क भी बना दें। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो, बहुत शुक्रिया। अब आखिर में बिल्कुल प्रोग्राम जा रहा है, मैं असद एजाज साहब से ये थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हफ्ता इस बार जारी है इसकी थोड़ी सी तफसील आके बता दें तो बहुत शुक्रिया। इसकी तफसील ये कि फर्स्ट टाइम 2008 में चौधरी मुनीर साहब थे यहाँ पे सियालकोट में स्टेट बैंक चीफ मैनेजर,
और आरबीएल थे जुलका चीमा साहब, जब फर्स्ट टाइम काफी एक्टिविटीज यहाँ सियालकोट में की गई, उस वक्त एक जिक्र किया जुलका चीमा साहब ने कि हफ्ता एक बार होना चाहिए यहाँ पे, वो एक बात आई गुजर गई। लेकिन चूंकि मुनीर साहब का माशाल्लाह मुसलसल हमारे साथ रहता रहा और इनकी हमेशा ही इनिशिएटिव रहा कि इसके ऊपर कुछ सोचे इकबाल के शहीन के तसव्वुर के ऊपर, क्योंकि ये चीज जब आपके सामने एक, एक, एक एम होगा, बच्चों को एक मकसद ये दोगे तो वो एक बुलंद मकसद की वजह से आपका मयार भी बुलंद हो जाएगा। बट हम अपनी जो हमारे बस में है उसके मुताबिक कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी लास्ट छह माह से हम लोग मुसलसल इकबालियत के हवाले से मंथली मशावर नशिस्तें चल रही थी, तो फिर नतीजा निकला कि ये हम लोग कोशिश करें करने की, तो उसमें भी चौसर निकला कि अभी तो आपके पास कोई जवाब नहीं है कमजोरी का, क्योंकि आपको एक अल्लाह तला ने एक मुकामी जिम्मेदार दिया है डिस्ट्रिक्ट का, उसको अल्लाह तला ने ये इस तरफ बहुत ज्यादा ज्यादा लगन दिया और उसका शौक है। तो हमने वो जब इन तक रिक्वेस्ट करवर साहब से बनाए मेहमान आप सरप्रस्ती करें, तो इधर अल्लाह का शुक्र है कि उसको फोन किया और अब हम पूरा हफ्ता इकबाल की तकरीबात मुख्तलिफ सियालकोट शहर के अंदर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के 1122 के और सारी सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर, और बल्कि ज्यादा बेहतर बात यह है कि हम सब करेंगे, अहले सियालकोट करेंगे, हमें मैदी चार भी छोड़ देनी चाहिए, हम इस सेल से जानी चाहिए और ये पैगाम ये सोच ये बड़ी शख्सियात जो आनी हमारे माशरे में नापैद हो गई हैं, अल्लाह चाहे कि हम ऐसा एनवायरमेंट बनाए कि आज फिर एक बार जन्म ले, आज फिर मुल्ला कमाल सियालकोट में जन्म ले, आज फिर फैज में फैज जन्म ले, ये बड़ी शख्सियात मुआशरों को बुलंद करती हैं। लाम की खूबसूरती फूलों के साथ होती है, अगर लाम में सिर्फ ग्रीनरी होए और फूल ना होए तो लाम में वो कशिश नहीं होती है। इसी तरह बड़ी शख्सियात हकीम सईद जैसी शख्सियात या अलामा इकबाल काजी रहमतुल्लाह जैसी शख्सियात, लेकिन इसके लिए मुझे आपको हर बंदे को अपनी जो भी अल्लाह ने सलाह दी है उसके मुताबिक करना चाहिए और अपने हिस्से का काम करना चाहिए। हम सब कुछ नहीं शायद कर सकते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं जितने कांटे रास्ते से चुन सकते हैं वो चुने, तो इससे इंशाल्लाह मंजिल की तरफ हमारा रुख बढ़ेगा और उलझने वाला जब इंसान रास्ते में उलझता है तो मंजिल खराब हो जाती है। और चौधरी मनीषा ने एक ही चीज गाइड की है, सर काम करते हुए जहां रुकावट आई है रास्ता चेंज करो, उसे टकराना नहीं आपने, दाएं बाएं से ऊपर से गुजर जाओ बस चलते जाओ। इसमें अल्लाह का शुक्र है कि अभी आज हमने इसको रैली की है, टुडे अब सीरती नबिस्तों का प्रोग्राम है, इसी तरह स्कूलों कॉलेज में फंक्शन हो रहे हैं, 7 तारीख को हमारा एक फिक्री निशिस्त है बड़ी सिलेक्टेड सी 30-35 लोगों की बाल मरकज में, ड्राईपोर्ट ट्रस्ट पे प्रोग्राम है ड्राईपोर्ट ट्रस्ट की तरफ से, इसी तरह 8 तारीख को चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक निशिस्त रखी है और शाम को जो है ना मुशायरा है नमाज क्लब के अंदर, 9 तारीख को इंशाल्लाह बात करेंगे अलामा इकबाल रहमतुल्लाह के घर से उनके बाद की कब्रों तक, और दुआ के साथ 2 साढ़े 3 आए और उसके लिए दुआ भी करें और अपना अपनी फर्द का अपने जिस्म का 4-5 फुट के जिस्म का ये जरूर मुझे अपने आप से सोचना चाहिए कि मैं अपनी किताबें जिंदगी जो बेटा आप लोगों ने शुरू की है, आज एक किताब पढ़ते हो ना एक पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 हर रोज एक पेज बेटा आपका मुकम्मल होता है, आप उस पेज के ऊपर फूल से जा रहे हो, आप उस पेज के ऊपर बेटा गंद डाल रहे हो, आप उसके ऊपर कांटे चुन रहे हो, ये मेरे लिए भी है और आपके लिए है। अगर ये किताब हमने फूलों से सजा ली, अगर इस किताब को हमने खुशबू से सजा लिया तो ये आने वाले लोगों के लिए रोशनी बन जाएगी, और अगर हमने कांटे चुने, अगर हमने पत्थर डाले तो मेरे आने वाली नस्ल, मेरा बेटा मेरा भाई पांव अपने जख्मी करेगा। आज अगर मैं रास्ते के कांटे चुनूंगा पत्थर चुनूंगा तो ये उसके लिए भी आसानी होगी और मेरे लिए भी होगी। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और आप सब दोस्तों को तौफीक दे। अब आखिर में मैं अपने मोहतरम मेहमान और जो सदारत का काम भी दे रहे हैं डॉक्टर असलम दास साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि चंद अल्फाज से वो हमें नवाजे और साथ वो कुछ इनामात हैं वो भी उन्होंने आप दे दें। शुक्रिया भाई। इतनी खूबसूरत और शेर हासिल गुफ्तगु इकबाल शमीन और
एक ऐसे मजमूमन से जो अपनी जिंदगी में भी मैं समझता हूँ कि वो अमल पैरा भी हैं, इकबाल उनके जिस्म में एक उसको कहते हैं ना इलम वही होता है जो खून की तरह आपके जिस्म में गर्दिश करे, और इकबाल का पैगाम भी मैं समझता हूँ वो यही है कि इकबाल का पैगाम जो है वो हमारे खून में गर्दिश करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि कोई शिरहानी से हम इकबाल को सुने सुने और बात खत्म हो जाए, इकबाल का मैसेज कुछ और है, हमने उसको कवालों के हथे चढ़ा दिए। तो इकबाल के पैगाम को जो आज की गुफ्तगू हुई है, जो डीसीओ साहब ने नदीम सरवर साहब ने जोई साहब की है, मैं चाहूँगा कि हम इसको अपने हिस्सा बनाए, अपनी सोच का और सोच के साथ अमल कर, क्योंकि इकबाल अमल का पैगाम देता है। तो अमल के साथ जब हम इसको अपना पूरी तरह जज्ब करेंगे और इसको समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो मर्द मोमन वाली बात भी हो जाए, और शाहीन जो एक सिंबॉलिक मैं समझता हूँ सिंबलाइज करता है इकबाल के विजन को, उस पर भी हम देखेंगे कि हमें शाहीन मिलेंगे, बुलंद निगाह होंगे लेकिन बुलंद वाले जिन होंगे, और ऐसे लोग भी इनमें आएंगे जिनमें मेरे कारवां की खूसियात पूरी होंगी, जिनका सुहर भी अच्छा होगा, जिनका अमल भी अच्छा होगा, जिनकी निगाह भी बुलंद होगी। तो आज मुझे कत्तर निगम नहीं था कि मुझे कुछ गुफ्तगू करना है, लेकिन प्रवेश साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका भी मुझे प्राप्त किया। मकतब की बात मैं जरूर करना चाहूँगा, मैं असद साहब से ये बात कर रहा था, एंड आई सेकेंड डी सी ओ साहब ओपिनियन अबाउट आवर टीचर्स। तो मैं असद जवाब मुतहरक आदमी है, तो मैं इनको कहता हूँ कि सिर्फ बातों से आगे हमें निकलना चाहिए, तो मकतब की तरफ भी तशरीफ लाएं। तो बात हो रही थी कि फिर मेरे दूसरे काम अधूरे रह जाएंगे, कल ही हम गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने कहा सारे काम एक बंदे ने खुद नहीं करना, ट्राई टू फाइंड ए मैन, ए टीचर ढूंढे, उसके जिम्मे जिम्मेदारियां लगाए। तो कहने लगे वो कैसे ढूंढे, मैंने कहा टीचर जिनकी रिप्यूट अच्छी हो, जिनकी रेस्पेक्ट हो, रिटायरमेंट के तकरीब हो या ना हो, उनको ढूंढा जाए और उनके जिम्मे कुछ काम डाला जाए। तो गवर्नमेंट स्कूलों की हालत बदकिस्मती ये है कि मैं समझता हूँ डीसी साहब को भी पता है, हमें भी इलम है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स जो हैं ये माशाल्लाह अच्छी तनख्वाहें लेते हैं, किसी भी प्राइवेट स्कूल से इनकी तनख्वाहें ज्यादा है। जब हम पढ़ा करते थे तो सारे ब्यूरोक्रेट्स के बिजनेसमैनों के फौजी अफसरान के बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते थे, या गवर्नमेंट स्कूल थे, कम्युनिटी स्कूल थे, मुस्लिम स्कूल, मतलब ये फर्स्ट प्रायोरिटी वर दी स्कूल्स। तो इनमें से सारे डॉक्टर्स भी पैदा हुए, ब्यूरोक्रेट्स के निकले, और इस शहर को जो आज लोग नजर आते हैं वो उन्हीं स्कूलों से पढ़े, पता नहीं किसकी नजर खा गई इस पूरे मामले को, और तालीमी निजाम जो है ये इंतजार का शिकार होता है। तो लेट अस पुट आवर रिसोर्सेज एंड ट्राई टू रीबिल्ड इट। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि वी कैन डू इट। तो इस जो है ना जज्बा के वी कैन डू इट, इस जज्बे के साथ हर बंदा अपनी सतह पे, डीसीओ साहब अपनी इंतजामी पोजिशन के मुताबिक और अपनी जाती जिंदगी में, तो खैर ये मुझे बहुत पसंद रहे हैं, ही नोज इट दैट आई लाइक हिम, वो इसलिए नहीं कि वो अच्छे हैं तो इसलिए ये बात है, तो ये अपनी उस पोजिशन पे, हम जैसे लोग अपनी पोजिशन पे चेंबर या इस तरह के जो जगह हैं वो, मेरा एक मीटिंग ड्यू है डी सी साहब के साथ और फोकस उसके जनाब वाला तलीमी बातें ही होंगी जो मैंने आपसे बात की थी, यूनिवर्सिटी का क्याम है उसके बारे में कुछ बात करेंगे,
और वी ट्राई टू मेक योर पीरियड ए सक्सेस। तो उसमें उसमें हम कुछ इस तरीके से उस तालीम को आगे बढ़ाएं कि हमारे बच्चे बच्चियां हकीकी मानों में साहब इल्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी तकलीफ वो ये है कि सबसे पहले मैं दावत दूंगा कारी मसूदी साहब अगर हैं तो तशरीफ ले आए, अगर नहीं है तो शौकत साहब भी आ जाए। अब एक हमारे जो सेहतमंद शाहीन है असद डार साहब, अल्लाह इनको बरकत दे। ये वाकई इस बात के शाहीन है और इनका हक बनता है कि आज पहला इनाम जो शाहीनों को दिया जा रहा है इनको भी दिया जाए। जिनको ये आज पूरे इकबाल जी का सेहरा भी है और अल्लाह इनको जला दे, आइंदा भी हम हमसे कबूल करें। सर ध्यान उसका उस तरफ इसलिए नहीं किया मैंने। जी अब हो गई, जी अब हो गई जी। ध्यान उधर था इसलिए नहीं किया। अब मैं जो हाथ करूंगा साहब सदर चौधरी साहब,
तो ऐसा एक सेट नदीम साहब आप थोड़ी देर तशरीफ लाइए, एक इनाम आपने देना है। नदीम सरवर साहब देंगे डॉक्टर असद डार साहब को, क्योंकि ये भी चैम्बर की तरफ से जो शाहीन है उनमें भी एक। इस फंक्शन के बाद इंशाल्लाह हम बाजमात दोहर भी अदा करेंगे, जो साहब अदा करने चाहें उनके लिए ऐलान है। दुआए खैर ये है कि हम हाथ उठाते हैं रब्बुल इज्जत के आगे कि अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक तू इस महफिल में जो इसका असल मकसद है वो हासिल करने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह इस मुल्क को सही मायनों में हमें कायदीन अता फरमा, या अल्लाह हमें दोबारा फिर सदाकत और अमानत का सबक पढ़ावे, ताकि हम इस मुल्क को जिस मकसद के लिए दिया या अल्लाह इसको अजीम इस्लामी फलाही रियासत बना सकें, हमारी ये छोटी सी कोशिश को या अल्लाह मंजूर फरमा और इस तहरीक को इतनी जला बख्श कि यहाँ अल्लाह के फजल से इकबाल के शाहीन पैदा हों और इस मुल्क को सही मायनों में पूरी मुस्लिम ताकत का एक नुमाइंदा बना दे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ही मोहम्मद अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया।